नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करती भी नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण और दौरों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध और समर्पित समाज सेवी संगठनों में से एक लॉयंस क्लब इंटरनेशनल मंडल 321B1 लखनऊ के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3 राहत सामग्री से भरे ट्रक राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों खटीमा, गोंडा और बलरामपुर के लिए रवाना किए गए। ये राहत सामग्री इन तीनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों में स्थानीय लॉयंस पदाधिकारियों के द्वारा वितरित की जाएगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा तीनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाई गई। इस अभियान का शुभारंभ करने आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऐसे अभियान और ऐसी सेवा लॉयंस क्लब सालों से करता रहा है और समाज सेवा ही लॉयंस क्लब की पहचान है। इस मौके पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के मंडल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन मुकेश जैन ने सी न्यूज भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि समाज सेवा ही और जनसेवा ही सच्ची सेवा है, इसीलिए हम सेवा परमो धर्म की भावना से आगे बढ़ते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल मंडल 321B1 के उप मंडलाधीश प्रथम लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा और उप मंडलाधीश द्वितीय लॉयन परमजीत सिंह, लॉयन पवन शर्मा, लॉयन आनंद अरुणेश, लॉयन राजीव जैन, लॉयन विशाल दीक्षित समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ लॉयन पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। क्लब ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ राहत सामग्री भेजी है, जिसमें खाद्यान्न सामग्री भी है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हैं। मैं लॉयंस क्लब का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से लॉयन मुकेश जैन, लॉयन RC मिश्रा, लॉयन परमजीत सिंह एवं सभी लॉयंस के जो हमारे मेंबर्स हैं, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें बधाइयाँ देता हूँ कि मुसीबत के दिनों में लॉयंस क्लब ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होकर के बहुत अच्छा काम किया। अगर सरकारी सक्रियता की बात करें तो आप भी लगातार यहाँ पर। सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए और उनके हितों के लिए, उनके जीवन में रहने सहने में कोई दिक्कत, लगातार काम कर रहे हैं। ये लॉयंस इंटरनेशनल का फाउंडेशन का कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों के पास ग्रांट आई है $10,000 की, उसके एवज में हम लोग करीब $15,000 खर्च कर रहे हैं। जो हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ आई है, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए हम खास सामग्री और कंबल भेज रहे हैं। कंबल ही हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से है और खास सामग्री जो है पूरी लॉयंस इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से भेजी जा रही है। 3 ट्रक जैसा आप देख रहे हैं खड़ी हैं, एक खटीमा जाएगी, एक गोंडा जाएगी, एक बलरामपुर जाएगी। और कल हमारे जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सदस्य हैं, वो लोग जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को उन्होंने टोकन बांट दिए हैं, उन लोगों तक ये सहायता पहुँचेगी। हमारा लॉयंस इंटरनेशनल हमेशा ही कार्य करता रहता है और हमें फख्र है, गर्व है कि हम इसके सदस्य हैं और आज इस तरह का ये आयोजन कर पा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है कि वो हम लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे करके इनको गाड़ियों को यहाँ से भेजा करेंगे और सलाम करेंगे। और इसके अलावा और कहीं भी भेजे जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रक की बात है, और कहीं भेजे गए हैं या भेजे जाने हैं? नहीं, अभी हम 3 भेज रहे हैं, आगे भी अभी हम जो और क्षेत्र हैं उसमें भी प्रयास हमारा है कि हम अपनी तरफ से चाहे भेजें चाहे मंडल की तरफ भेजें, कहीं ना कहीं जितने हम लोग कोशिश होती है हम लोग करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिवस से 2 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है स्वच्छता ही सेवा, इसमें लॉयंस क्लब की क्या भागीदारी होने वाली है? लॉयंस क्लब पूरा भागीदार है इसमें। लॉयंस ने इस उसमें एक लॉयंस चौराहा बनाया है और दूसरा प्रस्तावित है कि जो 2 अक्टूबर तक बन जाएगा, और कोशिश है कि जितना सहयोग हमारे लॉयंस सदस्य करते हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किसी की मदद करनी हो, ब्लड डोनेशन में, हर जगह करते आए हैं और करते रहेंगे। ये जो है हमारे यहाँ एक लॉयंस इंटरनेशनल फाउंडेशन है LCIF, उससे जो है हम लोगों को ग्रांट मिलती है और बाढ़ सहायता या किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी होती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, तो हम लोग उसको सहायता पहुँचाते हैं।
हमारा रिकॉर्ड ये रहा है कि किसी भी राज्य में कोई तरसी हुई है, ये दुनिया पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम लागू है, लायंस क्लब गवर्नमेंट से पहले पहुंच जाता है और सहायता पहुंचाता है। ये हमारी वित्तीय सहायता भी जो है वो 2 महीना पहले आ गई थी, वितरण में जो है और परचेज करने में समय लगा, उसकी वजह से हुआ है। तो हम लोग जो है जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं और उसमें राशन सामग्री और उनके जो कपड़े वगैरह कंबल वगैरह बह गए थे बाढ़ में, उसके लिए कंबल वगैरह का वितरण के लिए व्यवस्था है। 3 ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, 11 लाख की सामग्री है और माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा और यहाँ से गोंडा और खटीमा और जो है बलरामपुर, ये 3 गाड़ियाँ 3 जगह पर जाएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।